डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं आज क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग साइंस में अभी जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, तो लेंस फार्मूला पढ़े, लेंस का आवर्धन पढ़े, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी मैंने सॉल्व किया। ठीक है, अब वो सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने के बाद हम लोग एक लास्ट टॉपिक्स पे पहुंचे हैं, और ये हम लोगों का किताब का जो लास्ट टॉपिक्स है वो हम लोगों का खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी बुक्स जो है एक दो दिन और चलेगी, क्योंकि उसके पीछे भी अभ्यास का प्रश्न रहता है। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग हर चैप्टर को खत्म करने के बाद टेस्ट होती थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जैसा कि आपको पता है। लेकिन ये चूंकि हम लोग अभी लॉकडाउन की स्थिति में है, और दूसरी बात, अगर आपकी ऑनलाइन टेस्ट की अगर व्यवस्था किया जाए, तो मुझे लगता नहीं है कि आप में इस लॉकडाउन में इतना ईमानदारी आ जाएगी कि सभी लोग अपने खुद से बनाकर भेजेंगे सही आंसर। तो हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे टेस्ट लेकर जिससे किसी का पता नहीं चले रियलिटी कि कौन कितना कर पा रहा है, कौन कितना अंदर तैयारी कर रहा अच्छे से। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी सिर्फ हम लोग लॉकडाउन में सिर्फ पढ़ते रह रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगी, जब भी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट होगी, शायद 15 दिन 20 दिन, 1 महीने 2 महीने में स्टार्ट होगी, शायद, हो सकता है, अब पता नहीं कब क्या रूल्स रियम गवर्नमेंट की आती है, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी इंस्टीट्यूट खुलेगी ना, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर तुरंत स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अभी रेगुलर पढ़ते जाएंगे, आप चीजों को रिविजन करते रहिए। हालांकि ये जो चैप्टर है आज एंड हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से 1-2 दिन में खत्म होगा, क्योंकि उसके पीछे का भी अभ्यास का प्रश्न रहता है एनसीईआरटी के बुक्स में, तो हम उस अभ्यास के प्रश्न को भी करेंगे। फिलहाल आज जो है एक लास्ट टॉपिक का हम लोग बचा हुआ है, तो टॉपिक देंगे लेंस की क्षमता। टॉपिक देंगे क्या, लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता को क्या होता है, लेंस की क्षमता इसको जानने के लिए फर्स्ट एरो देंगे और लिखेंगे किसी लेंस की वह क्षमता जो प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता होती है कॉमा वह लेंस का क्षमता कहलाता है, वह लेंस का क्षमता कहलाता है। सेकेंड एरो में लिखेंगे लेंस की क्षमता को पी से सूचित किया जाता है, लेंस की क्षमता को पी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे लिखेंगे P=1/F, ये फार्मूला होता है। तो थर्ड एरो में देकर आप फार्मूला लिख लीजिए कि पी का मतलब क्या हुआ, तो पी का मतलब हुआ लेंस का क्षमता, और नीचे वाला एफ का मतलब क्या हुआ, फोकस दूरी। यानी कि अगर कोई बोलेगा कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं लेंस के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं,
एक का नाम होता है उत्तल लेंस और एक का नाम होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसरित भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभिसारी लेंस? क्योंकि आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही पॉइंट पे मिला देता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं अभिसारी। लेकिन अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अपसारी? क्योंकि आने वाली प्रकाश किरणों को वो फैला देता है, हम लोग जानते हैं। तो अगर कोई बोलेगा कि लेंस की क्षमता क्या है, तो हम बोलेंगे कि लेंस की वह क्षमता जो प्रकाश की किरणों को, आने वाले प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर दे या अपसारी कर दे कि उसके अंदर क्षमता। यानी कि कोई भी लेंस हो, अगर आने वाले प्रकाश की किरणों को एक तरफ मोड़ दे यानी कि अभिसारी कर दे या फिर फैला दे, अगर उसके अंदर ये क्षमता है, तब हम उसको बोलते हैं लेंस की क्षमता। एक मिनट। हाँ, तो लेंस की क्षमता का मतलब क्या है कि अगर कोई लेंस जिसके अंदर की वह क्षमता जो क्या कर दे, किसी प्रकाश किरणों को अभिसारी कर दे या फिर अपसारी कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता। ठीक है। अब रहा बात कि लेंस की क्षमता को सूचित किससे करते हैं, तो लेंस की क्षमता को पी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को पी से सूचित किया जाता है और पी का जो फार्मूला होता है वो 1/f होता है। याद रखिएगा कि लेंस का क्षमता का फार्मूला क्या, 1/f। f का मतलब फोकस दूरी। ठीक है। अब सबसे इंपोर्टेंट चीज अभी लिखने वाले हैं, लिखिएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाइऑप्टर होता है। डाइऑप्टर देखिए ऐसे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाइऑप्टर और ब्रैकेट में लिखिएगा बड़ा डी होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डाइऑप्टर। इसको हम लोग बड़ा डी से सूचित करते हैं। ठीक है। और सबसे इंपोर्टेंट सवाल ये आता है, कई बार आ चुका है, इसलिए इस एरो को पूरे तरीके से वीवीआई कर दीजिए, क्योंकि ये सवाल बहुत बार आ चुका है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। आप क्या बोलेंगे? डाइऑप्टर होता है। उसको डी से, कैपिटल डी से सूचित करते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो इससे रिलेटेड एक दो इंपोर्टेंट बहुत बढ़िया सवाल, एक फार्मूला याद रखिएगा कि पी बराबर क्या होता है, 1/f, और लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, 1/f। याद रख लीजिएगा यहां पे फोकस दूरी जो होता है हमेशा मीटर में होता है। किसमें होता है? मीटर में, यानी सेंटीमीटर में भी दिया रहेगा ना, उसको मीटर में बदल के तब आपको यहां f के जगह पे रखना होगा, ये चीज याद रखिएगा। इसलिए इस फार्मूला में फोकस दूरी को ब्रैकेट में कर लीजिए मीटर। ठीक है। यानी कि फोकस दूरी जो होना चाहिए हमेशा किस में चलता है, यहां पे लेंस की क्षमता वाले में मीटर में चलता है। तो ये रहा लेंस की क्षमता का छोटा सा टॉपिक जो हम लोगों को खत्म हो गया। लेकिन अब हम लोग का तो पूरा ये जो चैप्टर था जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। यानी कि जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं वो सब थ्योरी खत्म हो गया, बस अब क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है जो अभ्यास के तौर पे बुक के पीछे दिया हुआ रहता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी के साइंस विज्ञान की किताब में उसके बीच का भी प्रश्न रहता है, और जो बीच का क्वेश्चन रहता है उसको प्रश्न के नाम से दिया रहता है, और जो किताब के पीछे रहता है वो अभ्यास के नाम से दिया हुआ रहता है। तो अभी हम लोग उसके बीच का क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है प्रश्न। तो उसके बीच का प्रश्न करेंगे, चलिए तो क्वेश्चन लिखा जाए और फिर हम उसका उत्तर लिखवाएंगे। तो पहले क्वेश्चन वे लोग लिखेंगे जिसके पास किताब नहीं है, तो वे लोग ध्यान से सुनेंगे और फिर आंसर लिखेंगे। लिखा जाए पहले क्वेश्चन, और ये बुक का बीच वाला जो क्वेश्चन है
खत्म हो जाएगा और फिर अभ्यास वाला क्वेश्चन बच जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, किसी लेंस की किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को, एक डायोप्टर, तो एक डायोप्टर कैसे लिखेंगे, एक वन डी लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक डायोप्टर। क्वेश्चन लिखिए, किसी लेंस की एक डायोप्टर यानी कि एक डी वन डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास बुक है तो जरूर देखिए कि ये प्रश्न में कहां क्वेश्चन है। क्या लिखे, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है, उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी एक मीटर हो, जिसकी फोकस दूरी एक मीटर हो। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप एक डायोप्टर जो क्षमता है उसको आप परिभाषित कीजिए, यानी कि आप एक डायोप्टर की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो हम एक डायोप्टर के क्षमता से क्या समझते हैं, तो यही लिखे इसका आंसर कि एक डायोप्टर क्षमता का मतलब यह हुआ कि फोकस कितना होना चाहिए, एक मीटर होना चाहिए फोकस दूरी। तो उसके लिखे, उसके नीचे जो आप उत्तर लिखे उसके नीचे लिखना है, चूंकि पी बराबर होता है 1/f, यदि फोकस के जगह पर अगर एक मीटर रख दिया जाए, फोकस के जगह पर एक मीटर रख दिया जाए, इसलिए P बराबर 1/f के जगह पे 1 रखेंगे और 1/1 होता है 1 और डायोप्टर, यही लिख देंगे आंसर। यानी कि यही चीज को हम लोग उत्तर में लिखे हैं कि एक डायोप्टर का क्षमता का मतलब ये हुआ कि फोकस कितना रहना चाहिए, एक मीटर रहना चाहिए। तो उसी के नीचे ये चीजें लिख लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में लिखा जाए, क्वेश्चन बोल रहे हैं आप लिखिए, कोई उत्तल लेंस, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, यदि यह सुई उत्तल लेंस के सामने, यदि सॉरी यदि नहीं लिखेगा, यदि के जगह पे यह लिख दीजिएगा, यह सुई उत्तल लेंस के सामने, यह सुई यदि को काट दीजिएगा, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी है, यदि अब की यदि लिखिएगा, कहां रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, यदि इसका प्रतिबिंब
उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, जिस साइज का बिंब है, बिंब माने वस्तु है, पूर्ण विराम लेंस की क्षमता भी ज्ञात करें, लेंस की क्षमता भी ज्ञात करें। चलिए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जरा इस क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं कि क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में और हमें क्या क्या कहा जा रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये दूसरा का आंसर लिखने से पहले आप चीजों को समझिए कि क्या क्या बोल रहा है। जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है कोई उत्तल लेंस में यानी हमें दिया है। क्या क्या दिया है भाई? तो लिखेंगे दिया है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस दिया है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इस उत्तल लेंस में कोई सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा इसका प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। लेंस से कितना दूरी पर बनता है? तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए, अब मान लिया कि कोई उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में कोई सुई का प्रतिबिंब बन रहा है, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको पता है ना कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्लस में बनता है। तो हम लोग वो यहां पे प्रतिबिंब दूरी दिया है कितना? प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी का वैल्यू प्लस में 50 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फिर क्या सवाल बोल रहा है? तो फिर ये बोल रहा है कि यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी है जबकि प्रतिबिंब का साइज वस्तु का साइज का है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि यह वस्तु कहां रखा गया है भाई, कहां रखा गया है, जबकि सवाल में हमें दिया है, ये भी दिया है कि u यानी कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, चूंकि सवाल में बोला कि जितना दूरी पर बिंब है उतना ही, बिंब का जितना साइज है उतना ही किसका प्रतिबिंब का भी दूरी है, इसलिए हम बोलेंगे कि वस्तु कहाँ है, वो भी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लेकिन वस्तु कहाँ रखेगा, आगे रखा हुआ रहेगा, इसलिए उसको माइनस लगा देंगे। प्यारे दोस्तों, यहां पे बोल रहा था कि दोनों का दूरी बराबर है। ठीक है, तो दोनों का दूरी बराबर है तो 50 ही होगा, लेकिन माइनस क्यों लगाए? क्योंकि वो लेंस से आगे होगा, इसलिए हम यहां पे माइनस लगा दिए हैं। ठीक है, अब जरा बात करते हैं कि ये तो निकल गया कि वस्तु कहां रखा गया, तो वस्तु भी रखा गया है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहां? तो लेंस के आगे। तो यहां लिख दीजिएगा अतः बिंब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल लेंस के आगे रखी हुई है। ये लिख दीजिएगा। उसके बाद आप ये बोल रहे सवाल में ना कि जितना प्रतिबिंब का साइज है उतना ही वस्तु का भी साइज है, और ये दोनों साइज कब बराबर होता है? जब C पर बनता है तब ना, यानी कि चूंकि जब वस्तु का साइज प्रतिबिंब के साइज बराबर हो तो देखिए, यानी कि वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज बोल रहा है सवाल में कि बराबर है, तो आपको एक टेबल बनाकर दिए होंगे, वहां पे लिखा हुआ था कि वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज कब बराबर होता है? जब वस्तु कहां रहती है? सी पर रहती है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि वक्रता केंद्र पर
वस्तु है और वस्तु दूरी कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो वक्रता केंद्र और की प्रकाशिक केंद्र से दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसलिए R का वैल्यू भी हो गया 50 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये वक्रता केंद्र है, यानी कि वक्रता केंद्र से और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या R बराबर 50 सेंटीमीटर हो गया। अब इस 50 सेंटीमीटर को हम लोग अगर बात करें, सॉरी R बराबर दिया है तो अब उसके बाद हम मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो उसके नीचे लिखिएगा चूंकि F बराबर फार्मूला होता है F बराबर R बटे में 2, इसलिए F का फार्मूला R के जगह पे कितना रखेंगे 50 बटा 2, कितना बार में कटेगा 25, कौची में है ये सेंटीमीटर, तो यहां सेंटीमीटर रख दें, तो F का वैल्यू जो है ना सेंटीमीटर में आ गया। अब F का वैल्यू चूंकि सेंटीमीटर में आ गया तो हम इसको मीटर में बदलेंगे, और मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो 100 से भाग करते हैं, तो जैसे ही 100 से भाग करेंगे तो यहां आ जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है। तो F का जब मान आ गया मीटर में, अब लिखेंगे अब लेंस की क्षमता, चूंकि लेंस की क्षमता भी तो निकालना था ना, तो लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं दोस्तों, P से सूचित किया जाता है, तो P बराबर 1/F, P बराबर क्या फार्मूला होता है 1/F, तो यहां पे 1/F के जगह पे कितना रख देंगे P, यानी 0.25। अब यहां से पॉइंट हटता है तो ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे 25, इस तरीके से 4 बन जाएगा डायोप्टर, 4 डायोप्टर, क्यों? क्योंकि लेंस का क्षमता निकाल रहे ना, तो लेंस का क्षमता डायोप्टर में होता है, इसलिए 25 चौका 100, 4 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन का हमें आंसर है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन लिखा जाए, 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। चलिए तो अब क्या बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी है और वो कौन सा लेंस में, अवतल लेंस में, तो उसका बोल रहा है कि लेंस का क्षमता ज्ञात कीजिए, ये सवाल बोला जा रहा है। तो सबसे पहले काम क्या करना होगा वो समझिए, 2 सेंटीमीटर है ना कि 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप तीसरा क्वेश्चन में ये देखिए कि हमें दिया है, क्या है दिया है भाई, तो अवतल लेंस है, तो यहां पे लिख दीजिएगा अवतल लेंस, और अवतल लेंस तो दिया है। अब हम ये चीज बता चुके हैं पिछले दिन कि अवतल लेंस में सब कुछ माइनस में होता है, माने u भी माइनस, वो u तो होबे करता है, वो तो बोल सकते हैं कि पूरा क्लियर है u जो है, और भी माइनस, f भी माइनस, लेकिन अगर उत्तल लेंस रहता तो u खाली माइनस में होता और बाकी सब प्लस में होता है, क्योंकि यहां अवतल लेंस है तो फोकस दूरी जो होगा माइनस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब फोकस कोची में है, सेंटीमीटर में, तो इसको बदलेंगे कोची मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से कोची करेंगे, भाग करेंगे, तो 100 से भाग करेंगे तो ये कोची हो जाएगा माइनस 0.02 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे, अब हमको लेंस का क्षमता पूछ रहा था, तो लेंस का क्षमता को किससे सूचित करते हैं, पी से, फॉर्मूला क्या होता है 1/F, तो 1/F का वैल्यू कितना है माइनस 0.02, तो ये 0.2 पॉइंट अगर हटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 100/-2, तो ये 50 बार में कटेगा, तो यहां लिख देंगे कि माइनस 50 डायोप्टर, यानी कि ये इसको पहले मीटर में चेंज किया जाता है, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि लेंस का जो क्षमता होता है वो
1/f होता है, और जहां f किस में होना चाहिए, तो f जो होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। इसीलिए प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ पे मीटर कर लिए, अब 1/f का मतलब f से यहाँ पे डिवाइड कर दिए, तो 100/-2 यानी कि माइनस में आ जाएगा 50 डायोप्टर लेंस का क्षमता। तो हम लोग यहाँ पे ये देखे कि लेंस की क्षमता क्या होता है, और एनसीईआरटी के जो बीच में क्वेश्चंस रहता है वो सब सारा खत्म हो गया। तो अब हम लोग का लास्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का अंत वाला क्वेश्चन, जिसको अभ्यास बोला जाता है, उसको हम लोग अगले दिन डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।